आइस नेटवर्क में जो भी हमने वॉलेट एड्रेस सेट किया है, बहुत सारे लोगों ने OKX एक्सचेंज का दिया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अदर वॉलेट्स हैं उनका दिया है। तो क्या यहाँ पे अपडेट निकल के आया है, क्या OKX एक्सचेंज एक स्कैम एक्सचेंज है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आइस नेटवर्क ने यहाँ पे आप देखेंगे एवाइब को लेकर के भी यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया है। अब क्या एवाइब को लेकर के अपडेट प्रोवाइड किया है वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या जो आइस कॉइन है वो आपका बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होना था, OKX ने रोक दिया, तो इसके बारे में भी आप सभी से चर्चा करेंगे। तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं कि अपडेट क्या है सारा कुछ, ये लिस्टिंग का और ये स्कैम का वो आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि आइस की आज जो कम्युनिटी है 1.7 मिलियन की हो चुकी है ट्विटर पे। वैसे अगर इनकी कम्युनिटी की बात करते हैं तो काफी बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन ट्विटर पे आप देखेंगे तो 1.7 मिलियन की इनकी कम्युनिटी हो चुकी है। और ये जो ट्वीट किया गया था इसमें क्या अपडेट है वो सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्जेंट अपडेट रिगार्डिंग द लिस्टिंग ऑफ आइस कॉइन ऑन OKX एक्सचेंज January 19। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सामने निकल के आया है कि OKX एक्सचेंज में जो लिस्टिंग की गई थी उसके रिगार्डिंग ये अपडेट प्रोवाइड किया गया है 19 जनवरी को। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है OKX एक्सचेंज इज ए स्कैम एक्सचेंज, यानी OKX एक्सचेंज एक स्कैम एक्सचेंज है। क्यों स्कैम एक्सचेंज है तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं, जो यहाँ पे आपका आइस कॉइन है, ये आइस कॉइन बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनको भी ट्रांसफर किया गया था। जो ये आप सभी को देखने को मिला है ना कि इतना कॉइन यहाँ पे सप्लाई में आया है, तो इसमें से कुछ कॉइन उन लोगों को भी ट्रांसफर किया गया है, तो उसका भी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये उन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर जरूर किया गया है लेकिन उन पे लिस्ट नहीं किया गया। तो इनकी टर्म्स कंडीशन यानी एक तरीके से जब भी कोई कॉइन लिस्ट होता है तो उसकी एक यहाँ पे क्या होती है, वो करता है सीधा सीधा एक एग्रीमेंट किसी भी एक्सचेंजेस के साथ। तो OKX एक्सचेंज के साथ भी इन्होंने एक यहाँ पे एग्रीमेंट किया था और उसी के रिगार्डिंग पूरा अपडेट इन्होंने यहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड की है हम लोगों को। जो सारा कुछ स्कैम वगैरह का यहाँ पे झंझट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसी पैराग्राफ में पूरी आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इन दिसंबर वी फॉरगॉट एन एग्रीमेंट विद OKX, इनकी तरफ से कहा गया कि हमने दिसंबर में OKX के साथ एक एग्रीमेंट किया था, ए रिपीटेबल एक्सचेंज टू लिस्ट फॉर आइस अवर कॉइन एंड कंसीडर दिस पार्टनरशिप केयरफुली ड्यू टू OKX स्टेलर रेपुटेशन। पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट वाज 5 आवर एक्सक्लूसिवली एंड पीरियड आफ्टर द लिस्टिंग। यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि OKX के साथ जो हमने यहाँ पे एग्रीमेंट किया था उसमें हम सहमत हुए थे कि लिस्टिंग जब OKX पे हो जाएगी उसके 5 घंटे के अंदर हम किसी अदर एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं करेंगे, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। आफ्टर द लिस्टिंग ड्यूरिंग विच एग्रीड एंड नॉट द लिस्ट फॉर अदर एक्सचेंज, यानी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करेंगे 5 घंटे तक। उसके बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इनमें आपको एवाइब के रिगार्डिंग यानी जो एवाइब कॉइन आपका है उसके रिगार्डिंग भी अपडेट देखने को मिल जाता है। इन दिसंबर व्हेन OKX लिस्ट अनदर प्रोजेक्ट एवाइब बर्ड बी ऑब्जर्व केयर सर्टेन इशू फॉर ड्यूरिंग द लिस्टिंग डेट। आप देखेंगे जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आपका बांग्लादेश है या और कंट्रीज हैं जिनमें OKX एक्सचेंज बैन है, तो उनका भी यहाँ पे नेम वगैरह दिया गया है। यूजर को नॉट फाइंड एवाइब डॉट वेब मोबाइल एप एंड सर्चेस। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे सेकंड पॉइंट देखेंगे, यूजर सम कंट्रीज कुड नॉट ट्रेड फॉर एवाइब। अब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे यूजर्स ने एवाइब कॉइन का ट्रेड नहीं कर पाया था जब ये दिसंबर में यहाँ पे लिस्ट हुआ था, और बहुत सारे यूजर्स यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि OKX एक्सचेंज यहाँ पे बैन था। जहाँ पे बैन था आप सभी जानते हैं किन कंट्रीज में बैन था। और एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि OKX एक्सचेंज के साथ हमने कोई भी यहाँ पे अपना कॉइन उनको नहीं दिया था, ना ही हमने उनको पैसे दिए थे, ऐसा आइस की तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आइस का कहना है कि हम बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकते थे लेकिन हमारे सामने यहाँ पे कंडीशंस थी कि हम यहाँ पे 5 घंटे तक किसी अदर एक्सचेंज पे लिस्ट ना करें, तभी जाकर के आप देखेंगे 5 घंटे बाद किस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, जो आपका पैंकैक्सप एक्सचेंज है उस पे। तो यहाँ पे अदर भी पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो ट्वीट है काफी बड़ा है, मैं आपको बता दूं, बी प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड। तो यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि जो हमने एवाइब के समय जो प्रॉब्लम्स देखी थी तो उस समय हमने OKX एक्सचेंज से कहा था कि जब हमारी ऐसी लिस्टिंग हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को न मिले, यानी क्या प्रॉब्लम्स देखने को न मिले, लोग ट्रेड जो नहीं कर पा रहे हैं उस समय कर पाए, और जो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह नहीं लग रहे हैं वो यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर्स लगे, ऐसा यहाँ पे देखेंगे आइस की तरफ से इन पैराग्राफ्स में यहाँ पे कहा गया है। इनके समय आइस के सामने क्या क्या समस्याएं थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आप सभी की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। वी रिसेंटली ऑफिशियली प्रमोटेड OKX
टू अवर लार्ज यूजर बेस इन द ऐप एंड सोशल मीडिया। यहाँ पे कहा गया कि हमने अपने बड़े समूह के साथ एक्सचेंज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। बी User for link their account for OKX exchange wallet address to receive for, यानी जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सीधे सीधे कहाँ पे गया, आप सभी जानते हैं वो OKX exchange पे गया। तो उसी के रिगार्डिंग फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे कुछ जो चाइनीज यूजर हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया गया है कि कुछ चाइनीज यूजर यहाँ पे बाई करना चाहते थे, वो बाई नहीं कर पाए। किसको? यहाँ पे आइस कॉइन है उसको यहाँ पे बाई नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे पूरी जानकारी चाइनीज यूजर्स जो है उनके रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगी। अभी आप सभी को यहाँ पे वॉलेट चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको वॉलेट चेंज कर लेना चाहिए और मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस ऐड कर लेना चाहिए। लेकिन हम उससे पहले कुछ चीजें और आपके सामने रखते हैं, उसके बाद उसको हम पूरा यहाँ पे ऑफिशियली आपको दिखाएंगे कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ लिखा गया है, अब देखिए स्कैम क्यों कहा गया वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो पैराग्राफ है इसी के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट टू नोट फॉर रिपोर्टेड दिस इशू, जो हमने आपको इशू वगैरह ऊपर बताए हैं वो जब आइस टीम को यहाँ पे इशू देखने को मिले तो उन्होंने क्या किया कि टीम को अवगत कराया इनसे, ठीक है, यानी ओकेएक्स टीम को बताया। लेकिन ओकेएक्स टीम ने यहाँ पे कुछ भी उनमें यहाँ पे नहीं किया, यानी लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम्स हुई उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया, यूजर्स को एक्सेस नहीं मिला उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं किया। तो इसी के रिगार्डिंग इनकी तरफ से कहा गया कि ये एक स्कैम एक्सचेंज है, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। पूरी जानकारी अगर आप इसको ट्वीट को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो बिग अपडेट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दें। वी वैल्यू अवर कम्युनिटी फीडबैक एंड वी आर केयरफुली कमिटेड फॉर रिसॉल्व दिस इशू फॉर प्रॉम्प्टली एनहांस फॉर योर एक्सपीरियंस दिस योर कंटिन्यू सपोर्ट फॉर पीटीएंस बी रिसॉल्व दिस चैलेंज। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड है ये लास्ट वाला, इसमें कहा गया है कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई उसके रिगार्डिंग हम अपनी कम्युनिटी को यहाँ पे और ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करने की कोशिश करेंगे। और फिर नीचे यहाँ पे आप देखेंगे एक्सचेंजेस को यहाँ पे टैग किया गया है। सबसे पहले बाइनेंस, कॉइनबेस, ट्रैकन, कुकॉइन, बाइबेट, कैटआईयू, जेमिनी, बिटगेट ग्लोबल और यहाँ पे आपको crypto.com, बिनफाइन, एच और यहाँ पे पोलोनिक्स। तो ये एक्सचेंज पे अब जल्द ही आपको कुछ ना कुछ जो एक्सचेंजेस हैं इनमें से उनमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे ये बोलता है कि ऑफिशियली बाइनेंस पे लिस्टिंग हो रही है तो ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिला है। हाँ ये जरूर है कि इनमें से जो एक्सचेंज प्रोवाइड किए गए हैं इन एक्सचेंजेस पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज पे आपको जल्द ही लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो ओकेएक्स के यहाँ पे सीएमओ है उनकी भी आप डिटेल यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ जो अपडेट्स हैं वो आइस के रिगार्डिंग यहाँ पे बताए हैं। किसके रिगार्डिंग बताए हैं? आइस के रिगार्डिंग, क्योंकि आइस ने जो ट्वीट किया था उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे इनकी तरफ से रिप्लाई किया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ टाइम वगैरह मांगा गया है डिबगिंग को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए और आईएस ने क्या कहा है वो तो आप सभी को मैंने बता ही दिया है। अब मैं आपको बता, आपको अपना आईएस एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आना है और ये आपको जो यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन बीएनबी स्मार्ट चेन एड्रेस, इसी पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिंक कर देना है। मेरे हिसाब से आप जो आपका मेटामास्क है उसका यहाँ पे एड्रेस लिंक कर दीजिए जो आपके लिए अच्छा होगा। जब आपका नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट मंथ जो कॉइन आएगा वो सीधा सीधा उसी में आपका पहुंच जाएगा जितना भी कॉइन होगा। तो अभी भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि आप चेंज न कर पाए, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, किसका करना है मेटामास्क का कर दीजिए, आराम से आपका कॉइन उसमें पहुंच जाएगा। लेकिन वो ऐड जब करेंगे तो बीएनबी ब्लॉकचेन पे ही ऐड करना है।